हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस की। प्रीवियस सारे वीडियोस में हमने कंसेप्ट देखा था, इस वीडियो में हम कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं देखने वाले। सीधा देखने वाले कि फास्ट एग्जीक्यूशन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चन का कैसे करने वाले। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और प्रॉबिलिटी की कुछ बेसिक्स की और कुछ आगे की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉबिलिटी गेट 2007 एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू। The probability of failing in paper 1 is 0.3, that of the paper 2 in 0.2. Given that the students failed in paper 2, the probability that failing in paper 1 is 0.6. The probability of student failing in both papers is option A 0.5, option B 0.08, option C 0.01, option D 0.06. एक सिंपल सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमारे पास मेंशन है। गेट 2007 की बात की गई है। मैंने यहाँ पे गिवन डेटा जितना भी था वो लिखा हुआ है, आपको लिखने की नीड नहीं, आप पेपर में ही ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इवेंट ए मैंने लिया फेलिंग इन पेपर वन, इवेंट बी मैंने लिया फेलिंग इन पेपर टू, राइट। और फिर हमको दिया हुआ है पी ए की वैल्यू, पी बी की वैल्यू और अगेन पी ए बाई बी की वैल्यू। यहाँ पर पहले समझते हैं कंडीशनल प्रॉबिलिटी का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने बात करी थी पी ए बाई बी की। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ पी ए बाई बी, दैट इज इक्वल टू वॉट पी ए इंटरसेक्शन पी बी डिवाइडेड बाई वॉट पी बी, राइट। तो दिस इज वॉट एंड हियर इन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस। साइमल्टेनियस आप याद रखना, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। साइमल्टेनियस ऑकरेंस, साइमल्टेनियस ऑकरेंस का मतलब ए और बी एक साथ होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी की बात क्या करनी है हम लोगों को। तो हम लोगों को निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पेपर वन और पेपर टू में एक साथ फेल होने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है। आप याद रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं सेट थ्योरी की, इसको आप ध्यान से नोट कर सकते हैं, जब हम बात करते हैं सेट थ्योरी की तो ए इंटरसेक्शन बी व्हाट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स द कॉमन एलिमेंट्स और कॉमन पॉइंट्स और इंटरसेक्शन पॉइंट्स, राइट। बट इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी पी ए इंटरसेक्शन बी इट रिप्रेजेंट्स probability of happening of both event A and event B simultaneously, एक साथ होने की प्रायिकता की बात हम लोग करने वाले हैं। तो अब हमारे पास डेटा जो दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, हमारे पास डेटा दिया हुआ है पी ए बाई बी इज 0.6 एंड पी बी इज वॉट 0.2, ठीक है। तो ये हमारे पास, और फाइनली जो ऑप्शन में था हमारे पास, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, पी बी की वैल्यू 0.2 है तो हमारे पास ऑप्शन में था 0.12, विच इज अवर करेक्ट आंसर। तो सिंपल एक मल्टीप्लाई हमने किया। आप यहां पर याद रखिएगा, ये है किसका सिस्टम, ये सिस्टम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, राइट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन रिलेट हुआ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.12। तो हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या, और ऑप्शन हमारे पास है सी 0.12, विच इज अ करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर ये सब लिखने की भी नीड नहीं है। आप क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आराम के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सो 0.12 इज अवर करेक्ट आंसर। गेट 2015, सपोज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेट ए बार एंड बी बार बी द कॉम्प्लीमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। एक और गेट 2015 का प्रोबेबिलिटी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, ठीक है। अगर पी ए, ठीक है, और पी बी, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ डिपेंडेंट इवेंट की, तो डिपेंडेंट इवेंट के केस में ए के होने से ये पता चलेगा कि बी में कुछ वैल्यू मिल रही है हम लोगों को, दैट मीन्स इवेंट ए और इवेंट बी डिपेंडेंट है। इन केस अगर ए का होने से बी के होने को कोई फर्क ना पड़े तो हम बोलेंगे इवेंट इंडिपेंडेंट है, नाम से ही क्लियर था। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, मैं डाइस थ्रो करके बोल रहा हूँ इवेंट कि उस पर 4 आने वाला है, सेकेंड मैंने डाइस थ्रो किया, मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू उसमें आने वाली है 6, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। बट अगर मैं बात कर लेता हूँ समेशन 4 की, तो फर्स्ट पे 4 आना, तो कंफर्म ये होने वाला है कि समेशन अगर 6 में एक और इवेंट ले रहा हूँ जिसमें मैं इवेंट ए और इवेंट बी दोनों की बात नहीं कर रहा, सीधा एक इवेंट मैंने कन्वर्ट कर दी और वो इवेंट है समेशन 10, राइट।
सो समीशन 10 का मतलब ये हो रहा है कि वैल्यू क्या क्या कन्वर्ट हो सकती है, वैल्यू आ सकती है 4, 6 और वैल्यू आ सकती है 6, 4। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट डाइस पे 4 है तो कन्फर्म 6 सेकेंड डाइस पे आना चाहिए। तो वो बता रहा है इवेंट ए का समीशन के लिए डिपेंडेंसी, ठीक है। बट अगर इवेंट ए 4 है, सेकेंड मैंने डाइस थ्रो किया, इवेंट बी 6 है, तो दोनों आपस में कैसी इवेंट्स हो गई, इंडिपेंडेंट इवेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनफैक्ट अगर मेरे हाथ में 2 डाइस हैं, मैंने थ्रो किया और मैंने बोला इवेंट ए एक डाइस पे 4 आएगा, इवेंट बी डाइस पे 5 आएगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। बट अगर मैंने डाइस थ्रो किया और मैंने रिपीट की कि इवेंट ए एक डाइस पे 5 आने वाला है एंड टोटल सम आने वाला है 11, दैट मीन सेकेंड डाइस पे 6 आना, वो फर्स्ट वाले डाइस के 5 आने पे डिपेंड करने वाला है। तो ये क्लियर हुआ क्या होने वाला है? तो एक एग्जांपल था छोटा सा, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में मैंने लिख लेता है आई एन डी, है ना, कई लोग इसको इंडिया भी समझ लें, अच्छी बात है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इंडियंस हैं, ठीक, आप याद रखिएगा आई एन डी, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि पी ए और पी बी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं इसी के डिपेंडेंसी की बात करता हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लिया था, अगर मैं बात कर लेता हूँ डिपेंडेंसी की, अगर मैं बात कर रहा हूँ डिपेंडेंसी की, तो ए इंटरसेक्शन बी ये क्या रिप्रेजेंट करने वाला है वो देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करेगा पी ए बाई बी, अगर बी पर डिपेंड कर रहा है, इंटू वॉट, पी बी, क्लियर है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग पी ए बाई बी, दैट मीन्स ए बी पर डिपेंड कर रहा है और ये होने वाला है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बॉट पी बी, बिकॉज बी पर डिपेंड कर रहा है, बी पहले हो चुका है। अगर मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, अब मैं बात यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, डिपेंडेंट नहीं है ये, इंडिपेंडेंट है, और अगर ये इंडिपेंडेंट हुआ इसका मतलब क्या हो रहा है, पी ए इंटू क्या, पी बी, अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है मेरे पास और मैं अलग अलग इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हो रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी फॉलो होने वाला है, जो कि इंडिपेंडेंट के लिए केस था, और मैंने डिपेंडेंट के अंदर, समझिएगा, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने इंडिपेंडेंट का केस अगर डाल दिया तो क्या आने वाला है ये, और नीचे हमारे पास है क्या, पी बी, दैट मीन्स ये कैंसिल हुआ, क्लियरली विजिबल कि हमारे पास पी ए बी पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मैं डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी निकाल भी रहा हूँ तो भी वो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या हो गया, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए। चलिए अब इधर आ जाते हैं, अगर वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, है ना, अगर वो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा बाय डिफॉल्ट, ओके। तो इतने सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इसमें, तो अगर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी अलग अलग दोनों का निकाल के हम क्या करने वाले, मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ये ऑप्शन सही है और हमको फॉल्स स्टेटमेंट लेना है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो हमारे लिए ये ऑप्शन काम का नहीं रहा। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए अभी भी मैंने प्रूफ भी किया, यहाँ रेड कलर से हम लोग देख रहे हैं पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए, अभी अभी हमने देखा, तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है यूनियन का, जिसके बारे में अभी हमने बात नहीं करी है, ठीक है। तो मैं सारे पिछले वीडियोस में ये सारे कॉन्सेप्ट्स की बात हमने भले ही ना की हो, यहाँ पर हम देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन वैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ जो हमने पहले कभी नहीं देखे हैं, पहले इन द सेंस प्रीवियस गेट अकेडमी के वीडियोस में ये सब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं है, उन क्वेश्चन की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, ये होता है ए और बी, दैट मीन्स वॉट, ए या फिर बी के होने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या कि हमारे पास जो एडिशन रूल है, दैट इज वॉट, पी ए प्लस बी माइनस, ध्यान रखिएगा आप, माइनस पी ए, जैसा कि सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ते थे क्लास 11 में, बिल्कुल वैसा ही। और अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, है ना, दैट मीन्स ये वैल्यू होनी जरूरी है अगर वो इंडिपेंडेंट है। मेंशन किया गया, आप ध्यान से अगर देखेंगे कि पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा होता कि ये मेंशन नहीं होता तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता था, क्योंकि पी ए या पी बी अगर इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो ये मेंशन हट गया यहां से और वैल्यू ये भी सही हो सकती थी, बट हमको मेंशन किया है क्लियरली पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये वाले स्टेटमेंट यहां पर आना चाहिए था क्या,
इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ये वाला पार्ट यहां माइनस होना चाहिए था, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दैट मीन्स ये ऑप्शन सही है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अभी अभी मैंने लगभग इस वीडियो को एक मिनट पहले अब अगर रिवाइंड करके देखेंगे तो हमको दिखेगा कि मैंने बात करी थी कि इंडिपेंडेंट का कॉम्प्लीमेंट्री भी इंडिपेंडेंट होता, मतलब ये स्टेटमेंट सही है इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो फॉल्स ऑप्शन क्या हुआ, फॉल्स ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जहां पर मेंशनड है क्वेश्चन में पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है, राइट right? और अगर ये स्टेटमेंट सही है दैट मीन्स ऑप्शन सी गलत है, तो फॉल्स स्टेटमेंट इज व्हाट, ऑप्शन सी। गेट 2017, थ्री फेयर क्यूबिकल डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट थ्री डाइज हैव द सेम नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेसेस शोइंग अप टू थर्ड डेसिमल प्लेसेस। गेट 2017 एक बहुत ही बेसिक सा और आसान सा क्वेश्चन, बट कई बार क्या होता है थ्री डाइस के लिए हम लोग बात नहीं कर पाते ज़्यादा, ना ही नॉर्मली किसी कोचिंग सेंटर में थ्री डाइस के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन, थ्री डाइस से रिलेटेड कोई अभी तक क्वेश्चन प्रीवियस में हमको देखा नहीं। हम जैसे बात करते तो समेशन ऑफ टू डाइस की बात करते हैं, बट क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेम करने की कोशिश करेगा आप थ्री डाइस देख के सोचने की नीड नहीं है हम लोगों की क्या होने वाला है। अगर हम बात कर लें थ्री डाइस में समेशन की, है ना, तब हमारे पास कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट आने वाला है, बट उसके लिए भी बहुत ही आसानी से थ्री डाइस के समेशन के लिए भी बहुत ही आसानी से हम बात कर सकते हैं इक्विडिस्टेंट कंसेप्ट की। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है टू डाइस के लिए, सेम हम थ्री डाइस के लिए भी अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में हमको बोला है सेम नंबर्स, तो सेम नंबर्स के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इसका मतलब अगर तीन डाइस एक साथ थ्रो किए गए, ऐसा भी नहीं कि वन बाई वन, तो हम पहले पे वन फिर दूसरे पे वन, वैसे कॉम्बिनेशन के फॉर्मेशन की बात ही नहीं करने वाले। तो अगर सेम नंबर की बात करें तो पॉसिबिलिटी क्या क्या होने वाली है, वन वन वन, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होने वाली है, टू टू टू, है ना, क्योंकि नंबर सेम है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी थ्री थ्री थ्री, सिमिलरली हमारे पास आने वाला है सिक्स सिक्स सिक्स, दैट मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास फेवरेबल जो है वो सिक्स है। और अगर मैं थ्री डाइस की बात कर रहा हूँ तो सिक्स रेस्ट टू पावर थ्री, दैट मीन्स वॉट, टू वन सिक्स। तो अगर मैं टोटल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास एन इवेंट अपॉन एन एस, अगर मैं सिर्फ इसको सिंपल से अगर कैलकुलेट करने की बात करें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज वॉट, एन ई बाई एन एस, दिस मीन्स वॉट, सिक्स बाई टू वन सिक्स इज इक्वल टू वॉट, अगर कैलकुलेट कर ले हम लोग तो डेसिमल के थ्री डेसिमल तक हम लोगों को कैलकुलेट करना था, तो इसकी वैल्यू आने वाली लगभग ये, मेरे को इसका आंसर पता है इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 0.027, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, थ्री डाइस के लिए ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया गया। जब बात करेंगे अगर थ्री डाइस की और इसके बाद बात करेंगे समेशन में, तो क्वेश्चन में भी थोड़ा सा अलग फ्रेम किया जा सकता है, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो में जब मैंने डाइस का क्वेश्चन जो किया था उन क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन में डाइस के बारे में बात करी हुई है टू डाइस के लिए, आप उसको सेम इंप्लीमेंट कर सकते हैं थ्री डाइस के लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या और लेवल हो सकता है। गेट 2005, इफ पी एंड क्यू आर टू रैंडम इवेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड द स्टेटमेंट्स आर एज फॉलोज। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का गेट 2005 का एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, पी एंड क्यू आर रैंडम वेरिएबल्स, तो इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स जो हमारे पास हैं वो फॉल्स हैं और एक स्टेटमेंट ट्रू है, है ना, तो हम लोगों को ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहले जैसे मैंने बात करी थी सेम वैसी बात करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रीवियस जब हम वीडियो की बात करेंगे पहले या दूसरे क्वेश्चन मैंने लिया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो आप लोग को पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ पी और क्यू अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है आपके पास, ये होता है पी ए इंटू पी बी, है ना, और यहाँ पे बोल रहा है जीरो, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और एक बात यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, मैं अलग कलर का पेन का यूज कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आप ध्यान रखिएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट, अगर आप लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा, टू और मोर इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इफ दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, और वी कैन से द हैपनिंग ऑफ एनी वन इवेंट prevents the other events. For example, अगर मैंने एक coin toss किया तो head आएगा या फिर tail आने वाला है, इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों तो एक साथ possible नहीं है, इसका मतलब ये हो रहा है
कि या तो हेड आएगा तो वो टेल को रोकने वाला, या टेल अगर आएगा तो वो हेड को रोकने वाला। इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों इवेंट्स कैसे इवेंट्स हैं, दोनों के दोनों इवेंट्स क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात कर रहा हूं तो उस केस में दोनों का एक साथ होना, दैट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वॉट, जीरो। याद रखिएगा, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वॉट, जीरो। अब बात करते हैं आगे, तो प्रॉबिलिटी ऑफ दिस पी ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन, बोल रहा प्रॉबिलिटी ऑफ ए और प्रॉबिलिटी ऑफ बी, प्लस की बात हम लोग की चल रही है। इंटरसेक्शन यहां पर ग्रेटर होने वाला है पी ए और पी बी से, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होने वाला है, अगर ये दोनों इवेंट्स जो हमारे पास है रैंडम वेरिएबल हैं और इंटरसेक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होने वाला है और हम निकालने कैसे वाले देखेगा, तो ये पी ए यूनियन बी क्या होने वाला है, ये होने वाला है पी बी प्लस पी ए, या पी ए प्लस पी बी जो भी लिखना चाहे, है ना। चलिए पहले पी ए लिख लेते हैं, प्लस पी ए बी, और माइनस क्या, अभी अभी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है, दिस प्रोबेबिलिटी ऑलवेज शुड बी लेस देन और इक्वल टू वन। हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, ऐसा तो हम बोल सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 4 है या 9 है या 27 है। इसका मतलब या तो हमारे पास जीरो होने वाली है प्रोबेबिलिटी, या जीरो से वन के बीच में होने वाली प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब नेगेटिव भी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, और वन से एक्सीड भी नहीं कर रही प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दिस। अब इसकी अगर बात करें तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पी ए प्लस पी बी एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, विल बी लेस देन इक्वल टू वन। अब बात कर लेते हैं इसकी, अगर ये उधर गया तो ये लेस होने वाला है, और इसकी बात यहां पर चल रही ग्रेटर की, इसका मतलब ये भी ऑप्शन चले गया। तो ये बेसिक हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक्स की, बिल्कुल बेसिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है, यहां से हमको पता चल चुका है कि ऑप्शन बी भी क्या हो चुका है, इनकरेक्ट हो चुका है। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, मैंने ऑप्शन सी के लिए ही पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता क्या है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब ये कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जीरो। इंडिपेंडेंट के केस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट केस में पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या, पी ए इंटू पी बी। इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट की हम लोग बात करें। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पी एंड क्यू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ऐसा जरूरी है क्या, सोच के देखना। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, पी एंड पी बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, अब क्लियरली समझिएगा इसको, मैं एक डाइस लिया, मैंने दो डाइस लिए, मैंने दोनों डाइस थ्रो कर दिए, मैं बोल रहा हूं पहले पे आने वाला है 4, सेकंड पे आने वाला है 5। इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है, पर दोनों क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं है। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं है क्योंकि भाई एक का 4 आना दूसरे के 5 के आने को कैसे रोकने वाला है, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये होने वाला है कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बीच में कनेक्शन दिख रहा है बट नहीं है। इसका मतलब क्या, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फाइनली ऑप्शन डी होने वाला है, बट फिर भी इसकी भी बात करेंगे कि ये क्यों होने वाला है, बट फाइनली आंसर क्या आने वाला, डी। बट इसकी बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि हमने तो बात ही नहीं करी कि डी में है क्या लिखा हुआ। डी में वैसा ये लिखा हुआ है जो कि सही होने वाला है, बट इसको प्रूव करने वाले हैं कि सही होने वाला है। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन में आप सारे कंसेप्ट समझते जाएं। तो बात अभी हुई थी, एक डैश पे आया 4, दूसरे डैश पे आया 5, बोथ आर इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। द रीजन इज वॉट, कि क्या मैं एक डाइस फेंका तो दूसरे, एक डाइस पे 4 आने हैं, दूसरे डाइस पे 5 आने वाला है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे को प्रिवेंट करेगा क्या, नहीं कर सकता, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, चलिए बात करते हैं लास्ट ऑप्शन डी। तो भैया ये लिखा हुआ है पी ए इंटरसेक्शन, मतलब पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू लेस होने वाली प्रॉबिलिटी। तो इसकी बात करते हैं बेसिकली इंटरसेक्शन और प्रॉबिलिटी रिलेट कैसे होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ पी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बाई क्यू की, क्योंकि ये दोनों वहां से रिलेट होने वाला है, या मेरे को अगर चाहिए पी तो मैं ले लेता हूँ क्यू बाई पी, ऐसा ले लेता हूँ। यहां से देखिएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ क्यू बाई पी, तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है पी ए, आई मीन यहाँ पे पी और क्यू का बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है। आप ध्यान रखिएगा, ये पी दैट इज फॉर प्रोबेबिलिटी एंड दिस पी इज फॉर इवेंट, राइट, आपको कुत्ता तो पता है। तो ये हो गया पी इंटरसेक्शन क्यू डिवाइडेड बाई कितना, नीचे क्या लिखा हुआ पी, तो ये पी पी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी, इस पी की प्रोबेबिलिटी की। तो हमको पता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इज लेस देन इक्वल टू क्या, 1। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये पी, फिर से पी इंटरसेक्शन क्यू इज लेस देन पी
एंड पी, दैट मीन्स यहां मैं लगा देता हूं प्रॉब, यहां मैं लगा देता हूं प्रॉब, देन प्रोबेबिलिटी आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन क्यू will be less than or equal to probability of P, and we have proved with this. So complete analysis of this question is previous, जैसे मैंने बताया, आप इसको rewind करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे concepts में clear होने वाले, and our right answer is what? Option D, which is our correct answer.